अखिलेश्वर गुप्त ने लिखा था, जो भरा नहीं भावों से, जिसमें बहती रस धारा नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हेलो फ्रेंड्स, मी ए बी, एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक सैनिक के परिवार की कहानी है। एक सैनिक जिसकी शादी होती है और वो सीमा रेखा पर जा रहा होता है, ड्यूटी पर जा रहा होता है, लेकिन जाने से पहले अपनी पत्नी से वादा करता है कि तुम्हारी जिंदगी का पहला करवा चौथ का व्रत होगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, उस खास दिन को खास बनाने के लिए मैं छुट्टी लेकर आऊंगा। पति चला जाता है सीमा पर, पत्नी से बीच बीच में बात होती रहती है, उतनी बात नहीं हो पाती जितनी कपल्स में होती है, लेकिन जब भी बात होती है तो पत्नी पूछती जरूर है कि करवा चौथ पर आओगे ना। पति कहता है कि पूरी कोशिश चल रही है, छुट्टी मिल जाएगी तो जरूर आऊंगा। करवा चौथ का व्रत नजदीक आता है, एक बार फिर से बात होती है और पति अपनी पत्नी को साफ कर देता है कि छुट्टी नहीं मिल पाई है, करवा चौथ पर नहीं आ पाऊंगा, तुम अपना ख्याल रखना। पत्नी उदास हो जाती है, रोने लग जाती है। करवा चौथ का दिन आता है, व्रत के दिन पत्नी घबराई सी, उदास सी, क्योंकि पति नहीं है। शाम में जब व्रत खोलेंगे तब पति की शक्ल देखने को नहीं मिलेगी, पड़ोसने जो है वो तो अपनी पति को देख पाएंगी। इसी बात को लेकर दिन भर उसमें ख्याल चलते रहते हैं मन में। दोपहर में एक कोशिश करती है पति से बात हो जाए, लेकिन पति फोन नहीं उठाते। दो तीन बार कोशिश करती है, बात नहीं हो पाती और उदास हो जाती है। शाम में पति का कॉल आता है और ये पूछ रही होती है कि सब कुछ ठीक है, आप ठीक हो? पति भी उधर से कहता है कि सब कुछ ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना, यहाँ पर सब ठीक चल रहा है, करवा चौथ का दिन है, हम दोनों के लिए दुआ मांगना, पूजा करना, सब कुछ ठीक चल रहा है। ये बात तो हो रही थी और किसी के अचानक से चीखने की आवाज आती है और पति कहता है कि मैं तुम्हें दोबारा कॉल करता हूँ, और फोन काट देता है। उसके बाद ये पत्नी जो है सैनिक को कॉल लगाती रहती है, बात नहीं हो पाती है। इसी बीच सासू माँ आती है उसकी, कहती है चलो पूजा करने आ जाते हैं पड़ोसी के घर। बता नहीं पाती है कि आपके बेटे से बात चल रही थी लेकिन फोन कट गया, किसी की चीखने की आवाज आई। घबराई से पत्नी पूजा करने के लिए जाती है, तन मन धन से पूजा करती है, तल्लीनता से ऊपर वाले से कहती कि हे भगवान सब सही हो, कुछ ना हो। घर आकर के टीवी ऑन करती है, चेक करती है कहीं कोई खबर तो नहीं है, कहीं कोई आतंकी हमला तो नहीं हो गया। फिर से पति का कॉल आ जाता है, पत्नी फोन उठाती है और पूछती है सब ठीक है, किसकी आवाज से चीखने की? तभी पति कहता है अरे शांत हो जाओ, पीछे पलटो। जब वो पत्नी पीछे पलटती है तो वो सैनिक वहां खड़ा होता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें बताया नहीं। पत्नी गुस्सा करती है और पूछती है कि क्या हो गया था, चीखने की आवाज किसकी थी? तो पति कहता है कि जब मैं बस स्टैंड पर उतरा तो किसी एक बंदे का पर्स मारकर एक चोर भाग रहा था, वो चिल्लाया तो मैं अपने चोर के पीछे भागा और उस चोर को पकड़वा दिया और पर्स भी लेकर आया और उस व्यक्ति को दे दिया। तो पत्नी गुस्सा करती है और कहती है कि अरे ड्यूटी से आ गए अब भी तुम वही काम कर रहे हो? तो सैनिक कहता है असली फौजी, हिंदुस्तानी फौजी कभी ऑफ ड्यूटी नहीं होता, आई लव यू। ऐसा कहकर दोनों का करवा चौथ का व्रत खुल जाता है। बस इतना ध्यान रखिए कि अगर वो हैं तो हम हैं, वो हमारी सीमा पर रक्षा कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ सुकून से सो पा रहे हैं। So at the end, कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करें। अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप भी पेज के आप उसे फेसबुक के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, और अगर चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।